वेरी गुड। 12 साल पहले आप हरिद्वार आए थे तो आप ऑपरेटर थे? ऑपरेटर थे। और किसी की जेसीबी चलाते थे? 10,000 रुपए सैलरी। वेरी गुड। और आज आपकी दो जेसीबी हैं, आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्वरोजगार हो गया। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। किताब कर रहे हो क्या? जैसे ये है आपका डायरी, जेसीबी में। अच्छा, आप एक काम करते होंगे ना? कौन सा काम कर रहे हैं? जेसीबी। जी, आप मालिक होंगे जेसीबी के ना? आप मालिक होंगे। कितनी जेसीबी आपके पास? दो जेसीबी सर। साथ में क्या लोन लेके ली थी? पूरा का लोन नहीं, एक लोन पे नहीं, उतर गया लोन ना एक का। हाँ। क्या रखते नॉर्मली किराया एक दिन का यार? सर घंटे का हिसाब है। क्या रहता है घंटे का रेट? 800 रुपये। एक घंटे का 800 रुपये। तेल किसका पड़ता है? तेल सहित। और ड्राइवर को भी किराया आप ही को देना है? वो कितनी लेते होती ड्राइवर की तनख्वाह की? मतलब 15,000 रुपये महीना आप खर्चा। ये वाला हिसाब किसका बनाते हो? लाइन सिंह दूध बिस्किट ऐसे कुछ उसका भी काम है। पाइप लाइन का काम चल रहा है। पाइप लाइन का वर्क आपके पास है? मतलब बेसिकली लेबर सप्लाई करते हैं? लेबर नहीं सर, जेसीबी ही। मतलब पानी के ठेकेदार हैं, उन्हें देनी। नहीं तो ये क्यों लिखोगे बिल्कुल? पेट्रोल नाश्ता ये खर्चा होता ना जी। तुम्हारा अपना खर्चा थोड़ी हो, मजदूरों का लिखा हो ना? मजदूरों का अपना लिखा अपना भी आप मिक्स करते हो हिसाब से? हमारा साथ जैसे 800 हमारा प्रति घंटा हमको मिलता है, कितनी सेविंग हो पाती होगी हमारी एक घंटे में? डीजल हो गया 75 रुपये एक लीटर ना? 75 × 6 कितना हो गया? 420 प्लस 450 हो गया। ठीक है, 450 और 350 बचे ना, एक घंटे का 350। यानी कि दिन भर में अगर 8 घंटे चली तो 2400 और 2400 फिर 400 2800। उसमें से ड्राइवर कितने लेगा एक दिन के? 500 तो 2300। 200 रुपये लगभग खर्चा होता है। 2300। अच्छा, यानी कि अगर दो जेसीबी आदमी की तो 2300 और 2346। पर 8 घंटे से तो ज़्यादा चलती होगी ना? नहीं सर, 8 घंटे भी चलती है, कभी कुछ थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, लेकिन ज़्यादा काम थोड़ा। मेंटेनेंस में भी तो खर्चा होगा ना उसका? मेंटेनेंस तो अच्छी है। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे भाई तुम लोग। हर दिन कोल्ड ड्रिंक 200 रुपये कोल्ड ड्रिंक पी जा रहे हो दिन? पानी भी नहीं पीते हो? कौन पी रहा है 200 रुपये कोल्ड ड्रिंक? सारा स्टाफ कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। क्या कोक पी रहे हो? हिंदुस्तानी ड्रिंक पियो, बंटा पियो, नींबू पानी पियो, शरबत पियो, लस्सी पियो, और कोल्ड ड्रिंक में काला कोक पी रहे हो 200 रुपये? फिर देख कोल्ड ड्रिंक खाली कर दूंगा 200 रुपये। कोल्ड ड्रिंक समोसे छोड़ ही नहीं रहे? कोल्ड ड्रिंक पी जा रहे तुम बच्चे? और थोड़ा सा देखें आपका पेट्रोल, तेल, आलू, गोभी, टमाटर। पढ़ाई किसने कितने कितने कर रखी है आप लोगों में से? आपने कितने की पढ़ाई? 10वीं तक की है आपने? आपने कहा था 8। ये अच्छी बात है, मतलब काम सब कर रहे हैं अपना। तो जब शुरू आपने किया था बिजनेस को तब क्या कहाँ की थी? ऑपरेटर से आप ओनर बन गए यार, ये तो मानना तो अच्छी तरक्की की कहानी है ना। वेरी गुड। 12 साल पहले आप हरिद्वार आए थे तो आप ऑपरेटर थे और किसी की जेसीबी चलाते थे? 10,000 रुपए सर। वेरी गुड। और आज आपकी दो जेसीबी हैं, आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्वरोजगार हो गया। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। और एक एक जेसीबी का आप लोन चुका चुके हैं? एक जेसीबी का लोन बाकी है। वो सेकंड हैंड थी। अच्छा, वो वाली सेकंड हैंड है। अब नहीं है ना अभी तो जो है, बट अपना काम तो हो गया आपका। अच्छी बात है। जो एक मशीन है उसकी 52,000 रुपये किस्त में पैसा जा रहा है? 52,000 पर मंथ। उसका कब खत्म हो जाएगी किस्त पूरी? 18 किस्तों के बाद वो आपकी छूट जाएगी, लोन खत्म हो जाएगा, तो आप फिर दो के मालिक बन गए शुद्ध रूप से, फिर आपका मुनाफा बढ़ना शुरू होगा। अच्छी बात है। तो पहली बार ने देखा इस तरह से कि आप ऑपरेटर थे और आप मालिक बन गए। और सब इनकम टैक्स वगैरह कटाते हो? सब ITR वगैरह भरते हो? वो सब भरा करो टैक्स में एकदम, क्योंकि इनकम हो रही तो सरकार को देना भी है, तभी तो बाकी फिर और लोग के पंचे भी होंगे, सब फायदे भी हैं, डेवलपमेंट भी काम होगा, नींद भी अच्छी आएगी। बहुत बढ़िया। सुनो भाई, दोनों बच्चों इधर आओ। मास्क है भी तुम लोग के पास? एक काम करो, घर से जाओ,
मास्क पहन के हो गए, पर यहीं पे ही आना।